उत्तर प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की गिरफ्तारी के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा के बाहर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और योगी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रियंका जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंका जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद 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 लोकतंत्र के अत्यारे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी में सोनभद्र जिले में 10 लोगों की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रही प्रियंका वाड्रा को यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस विधायक और मंत्रियों ने काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की और योगी सरकार को तानाशाह बताया। प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। इस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था बची रहे, चाहे पक्ष में लोग हो चाहे विपक्ष में लोग हो, उन्हें अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाती हैं और इसलिए जाती हैं कि 10 आदिवासियों की हत्या कर दी जाती है, उनके परिवार से मिलना चाहते हैं। आप रोक लेते हैं, आप गिरफ्तारी करते हैं, आप उनको पीड़ितों तक पहुंचने नहीं देते, उनके परिवारों तक पहुंचने नहीं देते। इसलिए ये विरोध किया जा रहा है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएँ जो इस देश में हैं, जो गांधीवादी विचारधारा और सोच है वो जिंदा रहे, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े प्रांत में एक दुखद घटना हुई है, जहां पर भाजपा की योगी सरकार है, हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका जी वहां गई, उन जो आदिवासियों की हत्या हुई है उन परिवारों से मिलने जा रही थी। प्रजातंत्र में इतनी भी छूट नहीं है, जब आप उस परिवार की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करने की साहस करते हो, इस बात का द्योतक है कि प्रजातंत्र इस देश से धीरे धीरे समाप्त हो जा रहा है और ये कांग्रेस देश में प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी और प्रियंका जी के नेतृत्व में। ये प्रोटेस्ट इस बात का है कि प्रियंका गांधी जी 10 आदिवासी वो परिवार जिनको गोली से भून दिया योगी सरकार ने, उसका प्रोटेस्ट करने और उनके परिवार से बात करने गई, उनको हिरासत में ले लिया। आखिर आदिवासी परिवार जिनको आप गोली से भून रहे हो, उनकी अगर बातचीत अगर कोई नेता कर रहा है, और वो भी नेहरू गांधी परिवार का नेता जो आज़ादी की लड़ाई में, जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आज जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी बेलची गई थी और लड़ाई लड़ी थी उन्होंने दलितों की, ये उसी तरह की लड़ाई है। आज पूरी कांग्रेस प्रियंका गांधी जी के साथ है और पूरा देश प्रियंका गांधी के साथ है। आप देख रहे हो कि गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, उनका हक नहीं दिया जा रहा है। जब उस उनके हक को दिलाने के लिए हमारे नेता जाते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाता है। माननीय प्रियंका गांधी जी को उत्तर प्रदेश में हिरासत में लिया गया, जिसकी हम निंदा करते हैं। और ये लोकतंत्र में मोदी और अमित शाह जो हिटलर शाही चला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ, इसकी हम निंदा कट शब्दों में निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी जी को जिस तरीके से डिटेक्ट किया गया, तानाशाही मचाई गई, उसके खिलाफ ये लोकतंत्र का महायज्ञ को दूषित किया गया, इतने बड़े बहुमत का अपमान किया गया, उसके खिलाफ प्रियंका गांधी का जो मौलिक अधिकार है, इस देश के नागरिक का जो मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है और खासकर हमारी नेता का हनन, उनके चलने का, उनके बोलने का हनन है। कल उनके साथ जो रोका गया और योगी जी और अमित शाह जी की दादागिरी कर रहे हैं, इतने बड़े नेता की इतनी शालीनता से आंदोलन कर रही है, उसको रोका गया, इससे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लोकतंत्र का विरोध में आप काम कर रहे हो, लोकतंत्र का नुकसान है इसमें। हमारे देश भारत माता की जय है इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए, पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।